महाशिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ के दरबार में लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन को आते हैं। महाशिवरात्रि पर बाबा के मंगला आरती में 850 भक्त शामिल होंगे। कुल 850 टिकट की बिक्री हुई है। सीईओ सुनील वर्मा ने बताया कि टिकट बिक्री पर रोक लगा दी गई है। शिवरात्रि पर प्रत्येक टिकट दर 2001 रुपए रखा गया था। उन्होंने बताया कि मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए मेडिकल टीम मुस्तैद रहेगी, साथ ही पेयजल की उपलब्धता भी रहेगी। वहीं इस वर्ष काशी विश्वनाथ के दर्शन करने वाले भक्तों को बिल्कुल अलग ही अनुभूति होगी। पहली बार भक्त गंगा स्नान के बाद सीधे गेटवे ऑफ कॉरिडोर से बाबा विश्वनाथ के दरबार जा सकेंगे। मंदिर प्रशासन ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। खिड़कियां और राजघाट से नाव के जरिए भक्त ललिता घाट पहुंचेंगे, फिर गंगा जल लेकर सीधे भक्त बाबा विश्वनाथ के मंदिर जाकर उनका जलाभिषेक कर सकेंगे। इसके अलावा मंदिर प्रशासन की ओर से जारी श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल ट्रस्ट ऐप पर रजिस्ट्रेशन के जरिए दर्शन के लिए अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं। वाराणसी के कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने बताया कि अब तक इस ऐप पर दर्शन के लिए हजारों भक्तों ने स्लॉट की बुकिंग कर ली है। भक्तों के आवागमन का रूट भी निर्धारित हो गया है। महाशिवरात्रि पर जिस गेट से भक्त जाएंगे उसी गेट से निकलेंगे। दिव्यांग बुजुर्ग 4 नंबर से जाएंगे, मैदागिन से गदौलिया गेट और नंदू फारिया से गदौलिया तक स्टील की बैरिकेडिंग लगी है। संपूर्ण पुलिस व्यवस्था को 5 जोन और 20 सेक्टर में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जोन में जो है डिप्टी SP रैंक के अधिकारी को और जो सेक्टर हैं उसमें निरीक्षक रैंक के अधिकारी को लगाया गया है। इसके अतिरिक्त जो है सुपर जोन में एडिशनल SP रैंक के अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है। घाटों में रिवर पुलिस की भी ड्यूटी लगाई गई है। घाटों में बैरिकेटिंग भी कराई गई है जिससे कि कोई भी व्यक्ति गहरे पानी की तरफ ना जाए, इस संबंध में बोर्ड भी लगाए गए हैं। गंगा जी में नाव में बैठ करके जल पुलिस के जवान ये लाउड हीलर के माध्यम से लोगों को आगाह भी करते रहेंगे जिससे किनारे की तरफ ही लोग स्नान करें। निर्धारित क्षमता से अधिक कोई भी नाव में व्यक्ति नहीं बैठेंगे। जो उसकी क्षमता है उसी क्षमता के अनुरूप ही वाहन नाव में श्रद्धालु बैठेंगे। इसका भी कड़ाई से पालन कराया जाएगा।